पीएम मोदी ने काशी को दी बड़ी सौगात, पीएम ने टेंट सिटी का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने गंगा विलास क्रूज को दिखाई हरी झंडी, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजी काशी। गंगा विलास क्रूज को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा गंगा विलास से विकास को मिलेगी नई गति। काशी में बोले सीएम योगी, कहा गंगा विलास से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, बढ़ेंगे रोजगार। यूपी इन्वेस्टर समिट को लेकर दिल्ली में शुरू हुआ रोड शो, निवेशकों के साथ मीटिंग। भूपेंद्र चौधरी का सपा पर हमला, हमेशा से पिछड़ों की विरोधी है समाजवादी पार्टी, अराजकता, लूट और डकैती सपा का कैलेंडर है। हामी कैबिनेट की बैठक में जोशीमठ आपदा को माना प्राकृतिक आपदा, पीड़ितों को सर्वे के बाद मिलेगा राहत पैकेज, विस्थापित परिवार। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपके दो लोगों को मनरेगा के तहत भुगतान होगा। धसते जोशीमठ में असुरक्षित इमारतों को गिराने का काम जारी, सबसे पहले दो होटल्स मलारी इन और होटल माउंट व्यू को गिराने का काम, होटल को तोड़ने की कार्रवाई दिन रात चली। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्य में तेजी आई, इसी साल पूरा हो जाएगा ग्राउंड फ्लोर का कार्य, महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी, 2024 की जनवरी तक हो सकेगी प्राण प्रतिष्ठा। भदोही में बाहुबली नेता विजय मिश्रा के भतीजे पर एक्शन, 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की गई कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई, मनीष मिश्रा के खिलाफ दर्ज है कई गंभीर केस। जौनपुर में यात्रियों से भरी बस पर बाइक सवार अराजक तत्वों ने पथराव किया, बाल बाल बचे यात्री। कानपुर में डबल मर्डर की घटना से सनसनी, लूट के इरादे से घर में घुसे थे बदमाश, लाखों के जेवर और कैश लेकर फरार हुए बदमाश। महोबा में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला, धर्म छिपाकर लड़की के साथ धोखाधड़ी का आरोप, शिकायत के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मेरठ में पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़, आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में 3 लाख के मासिक किराए पर उठा पान का खोका, सोनू ने लगाई 3,25,000 की बोली। मऊ के महुबा विजयगढ़ में एक विवाहिता की हत्या, प्रेमी ने उतारा मौत के घाट। रायबरेली में नीलगाय की टक्कर से हेड कांस्टेबल की मौत, पुलिस महकमे में शोक की लहर। बुलंदशहर में सराफा व्यापारी की दुकान में चोरी, शटर काटकर घुसे चोर, जेवर पर किया हादसा। अलीगढ़ में फार्म हाउस पर डांस करते पकड़े गए लड़के लड़कियां, ग्रामीणों ने बरसाई लाठियां, वीडियो वायरल। पौड़ी में रेलवे सुरंग निर्माण से प्रभावित इलाकों का अध्ययन कर रही विशेषज्ञों की टीम, सुरंग निर्माण में हो रहा विस्फोटकों का इस्तेमाल। एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में कार्रवाई की, 5 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, लीक मामले में अनुभाग अधिकारी निलंबित। उत्तर भारत में शीतलहर से राहत, मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में फिर से तापमान में गिरावट दर्ज होगी, घना कोहरा छाए रहने की आशंका। उत्तराखंड के औली में सीजन की पहली बर्फबारी, लेकिन जोशीमठ संकट के कारण पर्यटकों की संख्या घटी। दूसरे वनडे में भारत की जीत, श्रीलंका को 4 विकेट से हराया, वनडे सीरीज में भारत ने ली 2-0 की अजय बढ़त। केएल राहुल ने खेली 64 रन की मैच जिताऊ पारी, बॉलिंग में मैच विनिंग परफॉर्मेंस के लिए कुलदीप यादव को मिला प्लेयर ऑफ द मैच। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।